जय जगन्नाथ। अब सबका स्वागत है मेरी चैनल झिली स्पाइस बॉक्स में। आज चलिए बनाते हैं कैरोट चीज बॉल्स। हाँ जी, आपने सही सुना, चीज बॉल्स तो बनाएंगे, लेकिन वो हमारा गाजर से बना हुआ चीज बॉल्स जो कि बच्चों के लिए हेल्दी होगा। बच्चे जब मार्केट जाओ या रेस्टोरेंट में जाओ तो ऐसे डीप फ्राई चीज बॉल्स खाने को बहुत मन करते हैं, लेकिन ये चीज बॉल्स घर में बनाना बहुत आसान है। तो फिर चलिए मैं बताती हूँ कैसे बनाया है। तो यहाँ पे मैंने 3 मीडियम साइज़ के आलू लिया है जो कि उबला हुआ आलू है, और 2 गाजर लिया है उसके साथ। आप चाहें तो गाजर की क्वांटिटी और भी बढ़ा सकते हैं। 1 कप मैंने यहाँ पे ग्रेटेड चीज़ लिया है। ये चीज़ मेरा मोजरेला और चेडर चीज़ का मिक्स है, ये मार्केट में मिल जाता है, या फिर आप पिज्ज़ा चीज़ ला के भी ग्रेट करके यूज कर सकते हैं। 1/2 छोटा चम्मच नमक, 6 से 8 कलियाँ लहसुन का लिया है। उसके साथ मैंने थोड़ा सा चिली फ्लेक्स लेंगे 1 छोटा चम्मच, और 1 छोटे चम्मच ओरिगानो लेंगे। आप ओरिगानो के बदले मिक्स्ड हर्ब भी यूज कर सकते हैं, या आपको थाई में बेसिल का फ्लेवर पसंद है तो आप उसको भी यूज कर सकते हैं। उसके साथ 1 छोटा चम्मच काली मिर्च का पाउडर लेंगे। अभी हम क्या करेंगे, ये जो आलू है, आलू को हम अच्छे से ना छील लेंगे। जो उबला हुआ आलू है मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था, तो इसको छीलने के बाद, गाजर को भी हम छीलने के बाद, हम इन सबको ग्रेट कर लेंगे, और इसी के साथ हम लहसुन को भी ग्रेट कर लेंगे। सारे सामग्रियों को देखिए मैंने अभी ग्रेट कर लिया है, आलू लहसुन और गाजर को। हमारा ये ग्रेट करने का प्रोसीजर जब ख़त्म हो जाए उसके साथ हम अभी नमक, और नमक के साथ ये चीज़ भी डाल देंगे। नमक पहले आप कम डालिए क्योंकि चीज़ में ऐसे भी नमक होता है, तो उसीलिए मैंने यहाँ पे 1/2 छोटा चम्मच नमक डाला है। 1 छोटे चम्मच हम ओरिगानो, 1 छोटा चम्मच चिली फ्लेक्स डालेंगे। अगर बच्चे चिली फ्लेक्स को मतलब खाना पसंद नहीं करते तो आप स्किप कर सकते हैं। 1 छोटा चम्मच काली मिर्च का पाउडर डाल के इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे, और मिक्स करके इसका ना एक अच्छा सा डो बना लेंगे। जैसे जैसे मिक्स करेंगे ना, सब जब अच्छे से मिक्स हो जाएगा ये अपने आप एक डो बन जाएगा। अब देखिए अभी कितना अच्छा एक डो बन गया है। बस अभी इस डो से हमें ना बॉल्स बनाने हैं, जो चीज बॉल्स है वही बॉल्स तैयार करना है। तो पहले हाथ को थोड़ा सा ऐसे ग्रीस कर लेंगे, और ग्रीस करके इसे छोटे छोटे, आप अपने हिसाब से छोटा बड़ा शेप जो है वो आप अपने हिसाब से दे सकते हैं। मैंने ऐसे एक छोटे नींबू के शेप का ही दिया है। तो इसी तरह हम छोटे छोटे बॉल बना के, हम अच्छे से आप देख रहे हैं वीडियो में मैं कैसे उसको सिंपल प्रोसीजर में हाथ में लेके, हाथ में कैसे रोल करके उसको बॉल बना रही हूँ। बस इसी तरह चीज बॉल्स हम बनाते जाएंगे। और जब सारा चीज बॉल्स देखिए हमारा बन गया, उसके बाद हमें अभी क्या करना है, ये जो मतलब ये जो चीज बॉल्स है इसको ढक के हमें फ्रीज में 2 घंटे के लिए डीप फ्रीज़र में रखना है, ताकि ये थोड़ा सा ना अच्छे से सेट हो जाए। 2 घंटे बाद मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। ये देखिए मेरा ये जो चीज बॉल्स हैं ये बड़े अच्छे से सेट हो गए हैं, ऊपर से थोड़ा सा कड़क भी हो गया है। तो अभी इसका दूसरा प्रोसीजर करते हैं, जिसके लिए हम क्या करेंगे, एक बाउल में 1/2 कप मैदा लेंगे, और उसमें 2 बड़े चम्मच हम कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे। 2 बड़े चम्मच हम कॉर्नफ्लोर ऐड करके इसको थोड़ा सा अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करके इसमें हम अभी क्या करेंगे, 1/2 छोटा चम्मच नमक और 1/2 छोटा चम्मच काली मिर्च का पाउडर डालेंगे। ये हम इसका ना एक घोल तैयार करना है। तो आपने देखा मैंने नमक और काली मिर्च का पाउडर डाल दिया है। अभी इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के ऐसे मिक्स करते हुए हम इसका एक ना मतलब जो थिक सा एक बैटर तैयार करेंगे, ना ज़्यादा पतला होगा ना ज़्यादा गाढ़ा होगा। तो आप इसकी कंसिस्टेंसी अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मेरा धीरे धीरे मिक्स करते करते मिक्स हो गया है। आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, जो डोसा का बैटर होता है उससे थोड़ा सा पतला होना चाहिए। अभी इस बैटर के साथ हम दूसरी कटोरी में 1 कप ब्रेड क्रम्स ले लेंगे। तो अभी हमें क्या करना है, 1 चीज बॉल्स हमें इस घोल में डालना है, और केयरफुली 2 फॉक के मतलब हेल्प से उसको हमें ब्रेड क्रम्स से मतलब ब्रेड क्रम्स में डालना है। डाल के उसको हमें बस ऐसे चम्मच से कोट कर लेंगे, और उसको जब ऐसे अच्छे से चारों ओर से कोट हो जाए तो हाथ में आप मुट्ठी बनाते हुए उसको ऐसे बना दीजिए, जिससे क्या होगा, जो ब्रेड क्रम्स है अच्छे से चारों ओर कोट हो जाएगा। ये ब्रेड क्रम्स मेरा घर का यूज वाला है। अगर आप लोगों को देखिए, 1 मेरा तैयार हो गया है, तो आपको मैं बता रही थी ये ब्रेड क्रम्स मेरा घर का है। अगर आप लोगों को उसका कैसे बनाते हैं जानना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, तो मैं दूसरी वीडियो में आपको ब्रेड क्रम्स कैसे घर पर तैयार करते हैं वो उसका एक वीडियो बना के आपको बताऊंगी। तो इसी तरह हम क्या करेंगे, जो सारे जो चीज बॉल्स है ना इसको ऐसे ही बैटर में कोट करके हम इसको बना लेंगे। तो मेरा सारा चीज बॉल्स अभी देखिए बन गया है। अभी हमें इसको डीप फ्रीजर पे
चार से छः घंटे के लिए रखना है, लेकिन ऐसे तो नहीं रख सकते ना, तो इसीलिए एक फ्रीजर से बाउल में हम इसको सेट कर देंगे और इसका ढक्कन लगा के या फिर ऊपर से ऐसे क्लीन रैप लगा के, क्योंकि ज़्यादा ऊंचा तक है, ढक्कन लगाते ही वो चिपक जाएगा, इसलिए ऐसे क्लीन रैप से ढक के इसको चार से छः घंटे के लिए हम इसको डीप फ्रीज़र में रखेंगे। आप चाहें तो इसी हालत में इसको 7 से 10 दिन तक डीप फ्रीज़र में रख के आप स्टोर करके इसको जब मन चाहे आप इसको डीप फ्राई करके खा सकते हैं। तो पहले मैं मतलब 4 घंटे बाद कुछ आपको अभी तल के दिखाऊंगी। तो पहले मैं ये क्लीन रैप हटाती हूँ, हटा के आपको दिखाती हूँ। ये देखिए कितना अच्छा सेट हो गया है, ऊपर का पोर्शन जो है ना पूरा चिल्ड होके ऊपरा हार्ड हो गया है। अभी इसको फ्राई करने के लिए पहले हम तेल गरम करेंगे, सफिशियंट तेल लेंगे और गहरी कढ़ाई में लेंगे, लेके हम इसको ना क्या करेंगे, ढक देंगे और फ्लेम हाई रहेगा और इसको हम डालते जाएंगे, क्योंकि यह हमारा डीप फ्रीजर में था और सारा आइस बन चुका है। तो जब हम तेल में डालेंगे तेल ठंडा हो जाएगा, उसके लिए हमें तेल बहुत गर्म चाहिए और फ्लेम हमारा हाई चाहिए। तो हमें अभी 1 मिनट के लिए ढक्कन लगा के इसको छोड़ देना है और 1 मिनट बाद आप ऐसे चलाइए, चला के फिर से आप इसको ढक्कन लगा दीजिए, फिर से 30-40 सेकेंड के लिए आप इसको ना फिर से ढक्कन लगा दीजिए। उससे क्या होगा, जो मतलब आइस होने के बाद जो पानी निकलता है ना, उससे वो जो पानी से तेल फटेगा तो आपका ना बाहर आएगा, ना आपके ऊपर आएगा, ना आपका गैस गंदा होगा। तो 2 मिनट बाद मैं ढक्कन हटा के इसको देखिए अभी थोड़ा सा ऐसे उलट पुलट करते हुए 3-4 मिनट फ्राई करूँगी। लेकिन जब चीज़ बॉल्स में ऐसे आपका क्राक दिखना शुरू हो उस टाइम आप इसको निकाल लीजिए। हाँ, 2 मिनट बाद आप चाहें तो फिर फ्लेम को मीडियम रख सकते हैं और जब ये क्रैक दिखे आप तो उसको तुरंत निकाल लीजिए, वरना क्या होता है चीज़ अंदर से मेल्ट करके बाहर निकलने की कोशिश करता है, जिससे क्या होता है तेल भी ख़राब होता है। तो ऐसे थोड़े टाइम होल्ड करके फिर हम इसको टिश्यू पेपर पे निकाल लेंगे और टिश्यू पेपर में क्या होगा, ये जो एक्सेस ऑयल है वो सोक कर लेगा। और इसको आप चाहें तो टमाटो सॉस या मस्टर्ड मेयो डिप के साथ सर्व कीजिए, बहुत टेस्टी लगता है, ऊपर से क्रंची और अंदर से जूसी, खाने में ना बड़ा मज़ा आता है, मेरी तो मुँह में पानी आ रहे हैं। तो ये कैरोट चीज़ बॉल्स इस छुट्टी में, इस रमज़ान में आप लोग बनाइए और आप लोगों को कैसा लगा कॉमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिए। और ऐसे ही झिली स्पाइस बॉक्स के साथ बने रहिए। थैंक यू।